आप देख रहे हैं टीएनबी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को सोमवार को बड़ी सफलता मिली। मजदूरों को पहली बार दाल खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए बोतल में भरकर मजदूरों के लिए ये खाना भेजा गया। इसी बीच सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालातों में सुरंग में रह रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बातचीत भी की। मजदूरों और सुरंग के अंदर का हालचाल जानने के लिए पाइप के जरिए सुरंग में कैमरा भेजा गया है। इसी में सुरंग के अंदर के हालात कैद हुए हैं। अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात की। सुरंग के अंदर का जो फुटेज सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि वे 10 दिन से कैसे सुरंग में रहने को मजबूर हैं। सुरंग से मजदूरों के रेस्क्यू से जुड़े कर्नल दीपक पाटिल ने बताया कि हम सुरंग के अंदर फंसे लोगों को खाना, मोबाइल और चार्जर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। हम अंदर वाईफाई कनेक्शन लगाने की भी कोशिश करेंगे। डीआरडीओ के रोबोट भी काम कर रहे हैं। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के लिए सोमवार रात को 24 बोतल भरकर खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को भरपेट भोजन मिला। इसके अलावा संतरे, सेब और नींबू का जूस भी भेजा गया। आज मजदूरों को दलिया और अन्य खाद्य सामग्री भेजी जाएगी। अभी तक पाइप के जरिए सिर्फ मल्टी विटामिन, मुरमुरा और सूखे मेवे भेजे जा रहे थे। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए ये खाना मजदूरों को पहुंचाया गया। टनल से मजदूरों को निकालने के लिए 5 प्लान बनाए गए हैं। फिलहाल एजेंसियां 2 प्लान पर काम कर रही हैं। पहला, अमेरिकी ऑर्गर मशीन सुरंग के मलबे में 800-900 मिलीमीटर का स्टील का पाइप डालने की कोशिश कर रही है ताकि इस पाइप के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला जाए। ऑर्गर मशीन से 24 मीटर खुदाई भी हो गई थी, हालांकि मशीन में खराबी आ गई। इसके बाद काम रुक गया। आज दोबारा से ऑर्गर मशीन से ड्रिल शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर वर्टिकल ड्रिल का भी प्लान है। इसके लिए मशीन सुरंग के ऊपर पहुंच गई है। यह मशीन आज दोपहर से खुदाई शुरू करेगी। यह सुरंग के ऊपर से खुदाई करेगी ताकि सीधे ऊपर से ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। दरअसल उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलक्यारा सुरंग केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर सड़क यानी कि हर मौसम में आवाजाही के लिए खोली रहने वाली सड़क परियोजना का हिस्सा है। ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। इससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए। इन्हें निकालने के लिए 10 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। अब देखना अहम होगा कि कब तक इन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें टीएनबी। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल टीएनबी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।